और हम लोग देखिए सामने सारे संगत आ रही, सारे लोग आ रहे हैं। दोस्तों ये सामने जलियाला बाग है, बट हेलो दोस्तों, बस अब हम लोग बाघा बॉर्डर के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अब हम लोग अमृतसर स्टेशन आ चुके हैं और आज हम लोग दरबार साहब के दर्शन करेंगे और इस ट्रेन से हम लोग अभी आए हैं। तो हमारे साथ देखिए सारी फैमिली आई है, राजू ट्विंकल सारे लोग हमारे साथ आए हैं और बस अभी हम लोग दरबार साहब जाएंगे और दर्शन करेंगे, दीदार करेंगे। तुसी भी सारे लोग बने रहना वीडियो पे, वीडियो बहुत ही नाल नाल चल रहे हैं। बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारे की तरफ से बसें खड़ी होती हैं, फ्री सेवा है, सीधे वो ले जाके हम लोग को गुरुद्वारे छोड़ देती हैं और बस हम लोग जा रहे हैं अभी निकल के बाहर। तो दोस्तों जो भी कुछ होगा आपको सब कुछ दिखाएंगे, कैसे कैसे रूम वगैरह लेंगे, दर्शन करेंगे, सारा कुछ आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे गुरुद्वारे की तरफ से बस की फिर सेवा है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा पानी भी पिलाते हैं, इतनी सेवा का भाव है। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग की बस और लोगों को छोड़कर अब हम लोग को लेने आएगी, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आती है तो फिर हम लोग भी जाते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वैसे मैं सेवा का भाव देख रहा हूँ, इतनी सेवा यहाँ से स्टेशन से ही शुरू हो जाती है अमृतसर में। तो बस आ चुकी है फाइनली, तो बस में बैठ चुके हैं, बस अब हम लोग जा रहे हैं दरबार साहब और ये फ्री सेवा है तो हम लोग इसको बैठ के आराम से जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं, और ये रंजीत सिंह चौक है, महाराजा रंजीत सिंह चौक है, तो यहाँ पर हम लोग को बस ने उतार दिया दोस्तों। और हम लोग देखिए सामने सारे संगत आ रही, सारे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग को उधर जाना है, तो अभी जाकर हम लोग पहले अपना रूम लेंगे, फिर रूम लेंगे, फिर लंगर वंगर छकेंगे, लंगर लंगर खाएंगे, है ना। तो अभी चलते हैं, बस आपको दोस्तों बताते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, ये देख सकते। दोस्तों ये सामने जलियाला बाग है, बट अभी हम लोग जाएंगे नहीं, पहले जाएंगे अपना रूम लेंगे, उसके बाद जाकर लंगर छकेंगे और फिर दरबार साहब दर्शन करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आएंगे। तो अभी हम लोग सामने से निकल रहे थे, इस वजह से हमने आपको दिखा दिया जगह है। यहाँ पर पेप्सियाँ मिलती हैं, वो भी 5 रुपये में, आप देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी इतनी सस्ती पेप्सी नहीं है, ये सिर्फ दरबार साहब में है। और ये कोई ये सब सेवा का भाव है, यहाँ पर सेवा करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, और यहाँ पे देखिए सब लाइंस पे लगे हुए हैं और 5 रुपये में मात्र पेप्सी है। चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग भी जाकर पीते हैं और फिर बताते हैं। आने गए हैं लंगर खाने के लिए, कमरा हम लोग रूम ले चुके हैं और रूम आपको एक बार दिखाएंगे जाने के बाद यहाँ से। और ये हमने अपनी प्लेटें खाना ले लिया है और इसके बाद हम लोग बाघा बॉर्डर भी जाएंगे घूमने। तो हम लोग ने रूम ले लिया, देखिए संगता कैसे बैठी है सारे लोग, हर ग्रुप कितना बढ़िया लग रहा है भैया। आपको कितना बढ़िया लग रहा है सारा कुछ बैठे ने सारा। और बताते हैं यहाँ पे रोज 1 लाख आदमी लंगर सकता है, आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ पे संगत, कितना बड़ा हॉल है यहाँ पे। हाँ देखो दाल आ गए, आलू आ गए, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे। गुरु का लंगर हम खाएंगे अब, बहुत अच्छा और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, बस अब हम लोग बाघा बॉर्डर के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का समय कम है, कल हमारा ट्रेन है निकलना है। तो दोस्तों बस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर और देख लीजिए कितनी अच्छी गाड़ी में बैठे हुए और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं बाघा बॉर्डर, तो वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि हम लोग वहाँ के नज़ारे कैसे हैं, क्या है, सब कुछ दिखाएंगे। जब सारी फैमिली बैठी हुई है दोस्तों, बस हम लोग बैठे हुए हैं अभी रास्ते में ही हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है रोड का। दोस्तों बस हम लोग बाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं, बिल्कुल सामने हैं, और बस हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, हमने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया। अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर सब बैठते हैं, उस स्थान पर जाके दिखाते हैं आपको दोस्तों, और वहाँ का माहौल दिखाते हैं कैसा है, ठीक है, बने रहेगा वीडियो में। चेक वगैरह हो गया, चेकिंग, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं जहाँ बैठना है हम लोग को, बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं सारे लोग लाइन से आ रहे हैं, मेरे आगे और पीछे दोनों, और हम लोग जा रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने कुछ बना हुआ है, चलते देखते हैं। और
पहुंचने वाले हैं और फील ऐसा आ रहा है जैसे कि इतनी खुशी हो रही है। और अब हम लोग जा रहे हैं सामने, काफ़ी अंदर आना पड़ता है पैदल चल के, तो काफ़ी तेज़ धूप भी है दोस्तों। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सामने, देख रही है शायद वहाँ पे जाना होगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बाकी इनका प्रोग्राम जो होता है वो 6 बजे स्टार्ट होगा 7 बजे तक की, तो बने रहेगा वीडियो में दोस्तों। थोड़ा सा पास हम लोग और आ चुके हैं, आप देख सकते हैं स्वर जयंती द्वार है सामने और ये टैंक है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, धूप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, ये गर्मी का दिन है इस वजह से धूप ज़्यादा है। पड़ता है ये सारी जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी ना आपको दूर से, तो इसी बिल्डिंग पे ही हम लोग को जा रहे हैं, शायद हम लोग को यहीं से बैठ के देखना होगा। चलिए देखते हैं।